हे गाइस, तो इस वीडियो में आपको दो ऐसे बड़े रीजन बताने वाला हूँ। आपको यकीन हो जाएगा कि दिशा वकानी यानी कि जो दया भाभी का रोल प्ले करती हैं तारक मेहता शो में, उनकी शो में बहुत जल्द वापसी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो पहला जो सबसे बड़ा रीजन दोस्तों वो ये है कि आपने देखा होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो भी नया पोस्टर रिलीज होता है, यानी कि जो उसका जो इंट्रो होता है उसके ऊपर जो पोस्टर आता है जिसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सब की फोटो लगी होती है, तो दोस्तों ये जो पोस्टर है वो काफी जल्दी चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी अंजलि भाभी और सोडी की जो रिप्लेसमेंट हुई है तो उन्होंने फटाफट से फोटो में रिप्लेस कर दिया, और भी हमने देखा है कि जो पहले कैरेक्टर आते या जाते हैं उनकी फटाफट से उस फोटो में जो भी नई फोटो रिलीज होती है उसमें उनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है या उनको हटा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि 3000 एपिसोड पूरे होने की खुशी में जो नया पोस्टर आया है जिसमें नए सोडी, नए अंजलि भाभी, नए सभी एक्टर्स की फोटो है। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि दया भाभी जो कि 3 साल से नजर नहीं आ रही शो में, उनकी भी सबसे आगे फोटो है जैसे कि पहले रहती है। तो गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि अभी भी दया भाभी यानी कि एक्ट्रेस दिशा वकानी शो का हिस्सा है, और जो भी न्यूज आती रहती है कि वो रिप्लेसमेंट हो चुकी है या रिप्लेसमेंट उनकी ढूंढी जा रही है उस बात में कोई दम नजर नहीं आता। और दोस्तों दूसरा बड़ा रीजन ये है कि काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेकर्स और दिशा वकानी की फैमिली के बीच डिस्कशन हो रहे हैं। उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके कुछ शर्तें हैं, वो शायद हो सकता है कि तारक मेहता शो मेकर्स पूरी करें और फिर दिशा वकानी की वापसी हो जाए। हालांकि डिस्कशन चल रहा है और शायद यही रीजन है कि वो पोस्टर में भी उनकी फोटो अभी तक लगाई हुई है। 3000 एपिसोड के पोस्टर में तो उनकी स्पेशली फोटो लगाई गई है। तो गाइस ये दो बड़े प्रूफ हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि दिशा वकानी की बहुत जल्द वापसी हो सकती है। हो सकता है कि दोस्तों इस फेस्टिवल सीजन में वो वापस आ जाए शो में, इसके काफी ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। बाकी दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।